महाराज माता पिता के इतने प्रभाव को, इतने प्रेम को, इतने स्नेह को, अरे रक्त और दूध से सींच कर, अपने खूनों से सींच कर माता पिता तुम्हें इस पृथ्वी पर लाए हैं। अरे सफलता असफलता क्या होता है, फेल हो गए, पास हो गए, अरे विश्वामित्र जी महाराज उनसे गड़बड़ी हो जाती मेनका के साथ, तब भी सीना ऐसे करके खड़े हैं कि विश्वामित्र नाम उसी का है जो एक बार भूल करता है दोबारा वो भूल नहीं करता। राम जी इसी पर रीझ जाते हैं, कहा हमको तो ऐसा ही गुरु चाहिए, हम विश्वामित्र को गुरु बनाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने गुरु बना लिया विश्वामित्र को। क्या उनसे भूल नहीं हुई, मेनका आई थी उनके पास, डेविएट कर दिया मेनका ने। शास्त्रों में लिखा है, पढ़ो समझो जानो। इसलिए ये आत्महत्या करने वाले और ये तथा कथित भगोड़े लोग, भाग जाने वाले लोग, ये हमसे नहीं होगा, हम आपके लायक नहीं निकले। कब लायक थे, लायक कब थे, डटे रहो, डटे रहो, विश्वास रखो कि अगर भगवान के शरण में हैं और समर्थ सदगुरु के शरण में हैं तो हम हो सकते हैं क्या, अपात्र, पर हमारे गुरु और हमारे कन्हैया में इतनी शक्ति है कि उनका नाम ही है ठाकुर जी का, क्या नाम है बोलो, करतुम अकरतुम बोलो संस्कृत वालों, सीताराम, राधे श्याम भैया, करने योग्य कर्म को भी कर सकते हैं, न करने योग्य को कर्म को भी कर सकते हैं, वही परमात्मा है। तुम अपात्र हो सकते हो, पर हमारे ठाकुर और गुरुदेव की इच्छा हो गई तो एक कई मिनट में पात्र बना देंगे, चिंता क्यों, डटे तो रहो, डटो, हटो मत, फटो मत बादलों की तरह, भागो मत, भगोड़ों को कुछ नहीं मिलता। तो ये अंतिम चाल है भगोड़ों का, इतनी लंबी लंबी चिट्ठी लिख के चले जाते हैं पांडे जी, क्या बतावें, तब तक 15-15 साल इनको दिया, वृत्तियों को ऐसे करो, ये करो, ये करो, और ये ऐसे धीरे से एक चिट्ठी लिख के ऐसे करके और करके, ये माँ बाप को जो नहीं समझते वो गुरु को क्या समझे, जिस मैया ने जन्म दिया जब उसको नहीं समझते, जिस पिता ने सब कुछ दिया जब उसको नहीं समझते, तो गुरु को क्या समझेंगे, और फिर जो गुरु को न समझे वो गोविंदव को क्या समझेगा, वो किसी को समझने योग्य नहीं है। सिद्धांत जुड़े हुए हैं, सिद्धांत का प्रतिपादन ही भागवत में होगा, ये केवल मीठी 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 तो कथा है ही, कृष्ण अधरम मधुरम 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 चलितम हसितम बलितम करते, सब उनका मधुर ही है महाराज, क्या मधुर नहीं, ठाकुर ही मधुर है, सब मधुर हैं, पर ये मधुरता काम आनी चाहिए हमारे ना, कि इतने मधुर खा लें कि डायबिटीज हो जाए। मधुर खाने का भी एक नियम है, ठाकुर को भी खाने का एक नियम है, ठाकुर को अपने भीतर लाने का भी एक नियम है, ज्यादा ऐसे वैसे खा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज, हिरण्यकश्यप जैसा मामला बन जाएगा, फिर ब्रह्मा की पूजा करते करते मरमरा जाओगे, समाप्त हो जाओगे। विधि चाहिए, और विधि देने वाले गुरु ही हैं जीवन में, गुरु, गुरु देन सदगुरु, सदगुरु का अर्थ है जो कृष्ण से जोड़ दे उसको सदगुरु कहते हैं। ये भी चलता है आजकल सोशल मीडिया पर, सदगुरु किसको कहते हैं, अबे अनपढ़ है इतना भी समझ नहीं आता, सद सत्य, जो सत्य से तुम्हें जोड़ दे, मार्ग प्रशस्त कर दे, सत्य के मार्ग में आने वाले अंधकार को हटाकर प्रकाशित कर दे तुम्हारे सत्य को तुम्हारे साथ, वही सदगुरु है और क्या। और गुरु कौन है, गुरु तो वो भी है भैया जो तुमको ठेके का पता बता दे, बुरा मत मानो, गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश, तुम खड़े हो चौराहे पर, अरे भैया हैं वो भी गुरु जी, बताई दियो रास्ता, भेज दियो, गुरु का अर्थ ही है जो आप नहीं जानते वहां तक भेज दिया, पर इसीलिए सदगुरु ही चाहिए, कृष्ण से जुड़ा हुआ, कृष्ण जिनके प्राण हो, कृष्ण ही जिनके आधार हो, रचे बचे जो कृष्ण में ही हो, उससे मंगल हो जाएगा तुम्हारा। ये 3-5 से नहीं होना है, शादी नहीं हो रही है, प्रेमिका भाग गई है, बेटा रूठ गया है, धन संपत्ति नहीं मिलती है, एक मंजिल मकान बना है 32 मंजिल बनवा देंगे, संपर्क करें 9438 9 साइन फाइन फलाम फलाने जी,
कमाल है भैया, हम बुराई नहीं कर रहे, विद्या होती होगी, पर क्या यार ऐसी विद्या का क्या मतलब समझ नहीं आता। विद्या बेचने के लिए तो बनी नहीं है, विद्या के लिए का विद्या तो या तो माँ है सरस्वती के रूप में, और अगर बहुत विद्वान है तो पुत्री के रूप में स्वीकार करिए। न माँ को बेचा जा सकता है न पुत्री को बेचा जा सकता है, विद्या बेचने को का इतना परेशान हो गया, किसने परेशान हो, दे दो ना, दे दो, विद्या बांटो। विद्या ददाति विनयम, विनया विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्।